है फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि था हमारा पार्ट 2। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके पार्ट 3, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन क्यार एंड वेयर क्यार। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्यार एंड वेयर क्यार, ठीक है, क्यार एंड वेयर क्यार। तो इसको चार एंड वेयर चार भी बोल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। तो बेसिकली जो आपकी मर्जी, कैर एंड वेयर कैर या चार एंड वेयर चार। तो सिंपल हमको बता दूँ, ये जो चार एंड वेयर चार, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप है, यानी कि स्ट्रिंग में हम इसको यूज कर। तो जब हम कोई भी टेबल में नेम को इनपुट कर रहे होंगे या तो हम एड्रेस को इनपुट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप को, ठीक है। एड्रेस हो सकता है आपका, ईमेल आईडी भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं आज स्ट्रिंग डेटा टाइप। सिंपल है। तो बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप ये बहुत तरीके होते हैं, यानी कि एक तो हमारे कैर एंड वेयर कैर होते हैं, कैर एंड वेयर कैर होते हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं टीनी टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, मीडियम टेक्स्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर अवेलेबल इन MySQL। तो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेयर कैर। बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों हम बना रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हालांकि जो स्ट्रिंग है ये पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है हमारी MySQL में। हालांकि अगर बात करें जावा की, तो जावा में अगर हम कोई भी नेम को डिफाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, तो जो भी आपका नेम होता है इसको हम डबल कोट्स में अपन डेनोट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि ऐसे कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारी MySQL में है नहीं, तो आज स्ट्रिंग हम यूज करते हैं कैर एंड वेयर कैर को। तो सिंपल यहाँ तक, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसके जो सब टाइप्स यानी कि कैर एंड वेयर कैर, ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है आज स्ट्रिंग डेटा टाइप। यानी कि अगर हम कोई भी नेम या ईमेल आईडी या तो कोई एड्रेस को डिफाइन कर रहे होंगे अपने टेबल में, तो बेसिकली ज़्यादातर यूज हम करते हैं कैर एंड वेयर कैर का। और जो टेक्स्ट होता है, टीनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, इनका कम यूज होता है, हालांकि ना के बराबर यूज करी जाती है। अगर बात करें इन दोनों डेटा टाइप के, ये दोनों ज़्यादातर यूज करी जाती है। तो अभी बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और हमको किसको यूज करना चाहिए। तो अगर बात करें तो डिफरेंस बिटवीन चार एंड वेयर चार की, तो मैं आपको बता दूँ जो पहला डिफरेंस है वो हमारा है, जो हमारा वेयर कैर है, यानी कि जो वेयर कैर है वो हमारा क्या है, वेरिएबल लेंथ, ठीक है, वेरिएबल लेंथ। इसकी मतलब के आगे समझेंगे। अगर बात करें कैर का, वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ। सिंपल है। तो अगर बात करें वेरिएबल लेंथ का, यानी कि ये जो लेंथ होती है वेयर कैर की, ये कभी फिक्स नहीं होता। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया नेम, ये मेरा फील्ड का नाम है, फिर उसके बाद यानी कि मैं करता हूँ नेम वेयर कैर, इसका साइज मैं देता हूँ 10, ठीक है। तो अगर बात करें वेयर कैर की, तो इसकी जो लेंथ होगी हमारा वेरिएबल लेंथ होगा, यानी कि यहाँ पर हम 10 दे रहे हैं। अगर हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, सपोज मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया अमित, ठीक है, यानी कि नेम के अंदर मैंने इंसर्ट करा अमित को, ठीक है। तो ये जो अमित है ये 4 लेटर की है, लेकिन हमने यहाँ पर डिफाइन करी है 10 लेटर के बीच में होना चाहिए। सिंपल है। तो यहाँ पर पहले गिन लेते हैं, यहाँ पर अमित ये पहला है, फिर एम, फिर आई, फिर टी। अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे वेयर चार की साइज़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, यानी कि पहले से यहाँ पर 10 स्पेस थे। स्पेस को मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, यहाँ पर पहला स्पेस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कि जब हमने डिफाइन करा था तो यहाँ पर 10 स्पेस अवेलेबल थे। सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने नाम को इंसर्ट करा जिसका नाम हो गया अमित। तो जब मैंने यहाँ पर अमित को पुट करा, तो अमित के जगह के हिसाब से यहाँ पर 4 स्पेस होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर AMIT, यानी कि यहाँ तक मेरी जगह चाहिए। हालांकि जब हम इस तरह से करते हैं वेयर चार में, तो बेसिकली वेयर चार क्या करता है, ये जो 6 स्पेस है इनको इग्नोर कर देता है और इन 4 स्पेस में अपनी वैल्यू को इनपुट करवाता है। यहाँ तक सिंपल है। तो अमित को छोड़ कर अगर मान लो यहाँ पर मैं करता हूँ सौरभ को, SOURA और करता हूँ V, सौरभ। तो ये बेसिकली क्या है हमारा, 5 है, यानी कि ये जो 5 लेटर है, 5 लेटर को हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये जो वेयर चार होगा ये तो वेरिएबल लेंथ है, यानी कि 5 तक लेंथ को छोड़ के और बाकी के जो लेंथ है उनको इग्नोर कर देगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा S, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा O आ जाएगा, ठीक है, S आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा U, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा R, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा V, ठीक है। यानी कि यहाँ तक इसने अपनी जो भी वैल्यू इसको पुट कर दिया, फिर उसके बाद जो 5 स्पेस है इसको इग्नोर कर देगा, लगेगा मेमोरी में कि सिर्फ ही सिर्फ इतने तक मेमोरी में जाकर कंज्यूम करेगा, लेकिन ये जो स्पेस है इसको कंज्यूम नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। यानी कि लेंथ आप कितने भी प्रोवाइड करो, यानी कि लेंथ हमने प्रोवाइड करा 10,
लेंथ आप कितनी प्रोवाइड करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क वहाँ पर पड़ता है जब हम नाम को इंसर्ट करते हैं, जब हम कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं। अगर हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम डिफाइन ही करते हैं, सिर्फ आपकी जो नाम होगा 10 लेटर के बीच में होना चाहिए। अगर नाम मेरा 2 लेटर की है, 3 लेटर की है, तो 2 स्पेस की 3 स्पेस की जगह छोड़ के और बाकी को इग्नोर कर देता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने करा सौरभ को इंसर्ट, तो सौरभ के लिए इसने जगह बना लिया और इसके बाद की जो भी सारे लेटर हैं यानी कि जो भी सारे स्पेसेस हैं इसको ये सारे इग्नोर कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं फिर से वेरिएबल लेंथ, यानी कि पहले इसका लेंथ था 10, पहले 10 ही था जब कोई नाम ही नहीं था तो 10 ही था। जब मैंने नाम को इंसर्ट करा, जब मैंने इंसर्ट करा सौरभ को, तो सौरभ मेरे 5 लीटर के, तो बेसिकली 5 लीटर यहाँ पे आ गए। तो इसका क्या था, इसका लेंथ था 10, फिर कम होकर हो गया मेरा 5। यहाँ तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन जो कैर है यानी कि जो कैरेक्टर है वो उसका उल्टा, यानी कि अगर यहाँ पर मैं करता हूँ नेम, यहाँ पर मैं करता हूँ नेम कैर, ठीक है सिंपल है, तो इसका मैं साइज देता हूँ 10। तो यानी कि यहाँ पर मैंने कर दिया 10 को डिफाइन, यानी कि इसका जो इनिशियल लेंथ है 10 ही है, यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इंसर्ट अमित को, ठीक है अमित। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, यानी कि यहाँ पर जो 10 है ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि ये जो मैंने इसको क्रिएट करा कैर 10, ठीक है, तो इसका जो लेंथ है 10 यहाँ पर फिक्स हो गया, ये कभी बदलने वाला है नहीं। जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ अमित को इंसर्ट, यहाँ पर मैं कर रहा ए एम, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ आई, यहाँ पर मैं करता हूँ टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अमित को इंसर्ट करता हूँ तो इसके लेंथ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमित को इंसर्ट करने के बाद उसकी लेंथ उतना ही रहेगा जितना पहले हमने इसको इनिशियलाइज करा था। यानी कि यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करता 10, तो बेसिकली ये 10 ही रहेगा, इंसर्ट करे या ना करे कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात करें वेर कैर की, तो यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वेरी करते हैं। यहाँ पर पहले 10 था, अगर मैं सौरभ को यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो सौरभ के लिए जगह छोड़ करो बाकी सारे इग्नोर करता है। तो अगर बात करें कैर की, तो कैर की लेंथ हमने इनिशियलाइज करा था 10 पे, तो बेसिकली ये 10 की स्पेस पहले क्रिएट करेगा फिर उसके बाद आपकी डाटा को इंसर्ट करेगा। तो ये था द मेन डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। तो अगर बात करें कि मेमोरी एलोकेशन की, तो जो मेमोरी एलोकेशन होती है जो कैर का होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक यानी कि जो भी मेमोरी हम डिसाइड करेंगे वो कभी चेंज नहीं होगा, स्टैटिक यानी कि फिक्स, ठीक है। तो अगर बात करें वेर कैर का, तो वेर कैर का जो मेमोरी होता है डायनामिक होता है, डायनामिक यानी कि चेंज होता रहता है डायनामिक। जैसे अगर बात करें कोई भी चीज़ का प्राइस का, तो प्राइस क्या होता है हमेशा घटता रहता है बढ़ता रहता है, तो बेसिकली जो प्राइस है हमारा डायनामिक यानी कि चेंज होता रहता है। अगर बात करें कोई भी चीज़ जैसे जो भी फिक्स रहता है, यानी कि अगर मान लो कि ऐसे कोई भी चीज़ आप खरीदते हो जिसका जो प्राइस होता है हमेशा फिक्स ही रहता है, वैसे किसी का प्राइस फिक्स होता नहीं है। फिलहाल मान लो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें खरीदने की जिसका प्राइस हमेशा फिक्स ही रहेगा, तो बेसिकली तब हम कहेंगे स्टैटिक है। तो बस बताना था स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक हमेशा फिक्स रहता है और डायनामिक, तो बताना था आपको स्टैटिक क्या होता है डायनामिक का। अगर बात करें स्टैटिक का, तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, और बात करें डायनामिक का, तो डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल यानी कि हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर बात करें कैर की मेमोरी एलोकेशन की, जो कि हमारा स्टैटिक होता है, यानी कि अगर यहाँ पर मैंने डिफाइन करा 10, तो मेमोरी में ये 10 स्पेस ही लेगा। यानी कि अगर यहाँ पर मैं डिफाइन करा 20, तो मेमोरी में ये 20 स्पेस ही लेगा। अगर बात करें यहाँ पर मैं डिफाइन करा 5, तो यहाँ पर मेमोरी में 5 स्पेस लेगा, 5 से ज़्यादा नहीं लेगा, 5 से कम नहीं लेगा। तो हम कह सकते हैं कैर हमारा फिक्स होता है यानी स्टैटिक होता है इन मेमोरी एलोकेशन। जो अगर बात करें वेर कैर का, जो कि डायनामिक होता है, डायनामिक यानी कि यहाँ पर मैंने जो भी नेम की जो साइज होगा 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी नेम हम एंटर करेंगे उसका लेटर होगा 10 के बीच में होना चाहिए, सिंपल है। तो बेसिकली जो नेम है, अगर यहाँ पर कोई हमने सौरभ को एंटर करा जिसका लेटर है 5, ठीक है, और बाकी ये सारे ये इग्नोर कर देगा, यानी कि ये हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। यानी कि ये इंसर्ट करने के बाद कितनी मेमोरी कौन ले रहा है उसको डिसाइड करता है, लेकिन जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तब ये डिसाइड कर लेता है कि मेरे पास कितनी मेमोरी होना चाहिए। तो ये था छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए, तो डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ है, कोई भी चीज़ हमें सीखने को मिली, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी आपके दोस्त लोग इस वीडियो को देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।